तरसी प्रखंड के कसमार ओपी अंतर्गत कसमार गांव में ग्रामीणों का आवागमन में हो रही है परेशानी। कसमार गांव में उच्च विद्यालय के निकट एक नाला बहता है, इसमें पुल पुलियां नहीं होने के कारण ग्रामीणों को आने जाने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों को बरसात के मौसम में आवागमन पूरी तरह ठप हो जाता है, यहाँ तक कि हम सभी ग्रामीणों को आज दो पहिया वाहन नाले के उस पार नहीं ले जा सकते, इसीलिए मजबूरन किनारे पर लगाना पड़ता है, जिसके कारण पिछले वर्ष यहीं के निवासी जिला परिषद उम्मीदवार दुला देवी की दो पहिया वाहन चोरी भी हो गई थी। वहीं के ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग कई बार इस नाले को लेकर मुखिया से बातचीत किए हैं, लेकिन हम लोगों की बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ तक कि हम सभी सांसद विधायक तक को भी सूचना दिए हैं, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। सभी ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों को आने जाने के लिए इसके अलावा और कोई भी पथ नहीं है, इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाए तथा पुल पुलिया निर्माण किया जाए ताकि हम सभी को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। जी, मैं हूं सीताराम सोनी और आप देख रहे हैं R9 भारत नेशनल न्यूज चैनल। और आज हम उपस्थित है तरहसी प्रखंड के कसमार ओपी के अंतर्गत कसमार गांव में, और बगल में यहां हाई स्कूल है, विद्यालय भी है, और यहां पे बहुत घनी आबादी क्षेत्र है। और हमें यहां पे जानकारी मिली है और हम देख पा भी रहे हैं, कैमरामैन से हम जरा आप दिखाने का काम करेंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा नाला है जो ढोंढा टाइप से है, यहाँ बरसात में इतना पानी आता है कि ये जाने का उधर भी बस्ती है, ढोंढा के इधर भी बस्ती है, दोनों साइड में बस्ती है, और उधर जाने में बहुत ज़्यादा बस्ती है, और उधर वो बस्ती में जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, तो और भी जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। यहाँ के जनता को आने और जाने में बहुत ज़्यादा सामना परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे जनता कुछ इकट्ठा है, दिखाएंगे कैमरामैन जी, यहाँ पे जनता बहुत ज़्यादा में इकट्ठा है, और इन लोग का कहना है, यहाँ के जनता का कहना है कि हम लोग का जाने के लिए मुख्य पथ यही है, हम लोग को जाने में बहुत बड़ी समस्या होती है। और क्या क्या समस्या है इनको जाने में, किस तरह से, विद्यालय भी है, कुछ बच्चे भी हैं विद्यालय से आ रहे हैं, अगर ज़्यादा बारिश हो या बच्चे गिर जाएं किसी तरह से तो बहुत बड़ा दुर्घटना भी हो सकता है। और जब बारिश आता है, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जब बारिश आती है तो इतना ज़्यादा मतलब कि हम लोग ये निकल पाना भी मुश्किल हो जाता है इस क्षेत्र में। और पूरी जानकारी यहाँ के ग्रामीणों से लेते हैं, आइए बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा दीदी आपका? ममता देवी। आप जो इस तरह से जो मुख्य पथ जो जाने का इस घनी आबादी क्षेत्र में, और भी कोई रास्ता है कि सिर्फ यही है? यही है, और दूसरा कोई भी रास्ता नहीं, नहीं, नहीं तो आप बताइए कि आप लोग यहाँ पे मतलब इतना रास्ता खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, तो कैसे मतलब आप पार होते हैं, मतलब उधर जाते कैसे हैं? ऐसे ही देख कर बहुत कठिनाई होता है जाने। ठीक है, अभी तो पानी कम है, कैमरामैन जी दिखाएंगे, अभी पानी कम है, अभी तो पानी कम है, आप चले जा रहे हैं, लेकिन बारिश के मौसम में कैसे जाते होंगे? जनता उधर, मतलब इधर के जनता इधर रह जाते हैं और उधर के जनता उधर रह जाते हैं। कैमरामैन जी इधर अब दिखाएंगे कि एक जो आ रहे हैं हमारे बुजुर्ग, उनको पार होने में बहुत तकलीफ होता है, हमेशा इधर से आदमी आना जाना लगा रहता है, लेकिन आदमी को परेशानी हो। अब आइए कुछ और भी यहाँ पे हैं, इनसे भी बात करते हैं, जिला परिषद के भावी प्रत्याशी भी हैं। आइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? दुला देवी। अच्छा, आप बताइए कि तरहसी प्रखंड के मतलब कि पूर्वी के हैं आप? हाँ। पूर्वी के आप जिला परिषद के भावी प्रत्याशी हैं। इस तरह से रोड में जो आना जाना जो इस तरह से समस्या है, थोड़ा है यहाँ अभी तो कोई भी मतलब रोड मैंने मरम्मत नहीं हुआ, बना नहीं, यहाँ पे कोई भाव पुलिया कुछ इस तरह से नहीं बैठा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग तो कहते हैं कि ये अपने से बनाए थे, मगर अच्छा। फिर भी बरसात आया तो सब मैंने धो के ले गया, इसके कारण से हमको गाड़ी तक यहाँ से चोरी हो गया है। अच्छा, आपका गाड़ी भी मतलब किस तरह से गाड़ी चोरी हुआ था? ढोड़ा आया था, नहीं पन्ने कर सकते, मतलब पानी बरसात के मौसम में, बारिश पानी ज्यादा था बारिश का, इसके चलते गाड़ी इसी साइड में लगाना पड़ता है, और उसको लेकर के जो है कि आपका गाड़ी चोरी हो गई। तो क्या रात में भी गाड़ी जब ज्यादा बारिश के समय में ज्यादा पानी यहाँ पे रहता है तो आदमी को जाने में तो परेशानी होती होगी, लेकिन जब गाड़ी क्या मतलब रात भर इधर ही गाड़ी रुकती है? हाँ, तो कहाँ ले गए? अच्छा, कैसे ले गए? हाँ, बारिश में कैसे ले जाएं? अच्छा, बहुत पानी रहता है उसी बीच में, मतलब आपका गाड़ी भी चोरी हो गई थी? चोरी कितना दिन पहले की बात है? साल भर की मतलब, साल भर की पहले की बात है, मतलब इस तरह से। और यहाँ पे बहुत सारे और भैया भी हैं उपस्थित, आइए हम बात करते हैं इनसे।
क्या नाम पड़ेगा सर आपका? रोड हमीन रंजीत कुमार। क्या ये जो रोड जो मुख्य पथ यही है उधर जाने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप बताइए कि उधर कितना का क्षेत्र होगा, कितना आबादी होंगे, कितना का घर होगा? उधर आबादी तो दो चार घर है, लेकिन इधर से ज्यादा जरूरत का सामान जैसे जंगल है। हाँ। और कुछ है मतलब हमेशा इधर से उधर आने जाने खेती बाड़ी लेकर के सिंचाई के लेकर के हमेशा आना जाना लगा रहता है, ताकि जनता को बहुत परेशानी हो। तो ठीक है, दो चार दस बीस ही घर है, लेकिन उसको भी आने के लिए जब इनको जब मार्केट जाना हो या कहीं स्कूल जाना है, विद्यालय जाना है उधर का बच्चे के, उसमें तो तकलीफ होगा ना। तो क्या मतलब ये रोड बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, क्या बनना ही चाहिए? इसमें आप देख लीजिए, बारिश आता है, आप उधर दिखाइए एक बार कैमरा दिखाइए, बारिश आता है आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना आया होगा बाढ़। बाढ़ की जैसा आ जाती है, बहुत समस्या होता है यहाँ के जनता के। देखिए यहाँ हम ग्रामीणों का बात पूरी तरह से समझ गए हैं, और हमको ये कहना है कि यहाँ विधायक भी हैं और सांसद भी हैं और मुखिया भी हैं, लेकिन इन सभी ने अभी तक यहाँ से कितने साल से लगभग इधर आना जाना लगा हुआ है? मैंने पूर्वज से ऐसा ही ढूंढा है, और देखिए हजारों साल से इन लोग का कहना है कि पूर्वज से ही मतलब ऐसा ही है, लेकिन अभी तक ये दो बार मुखिया का भी चुनाव हो चुका है, त्रिस्तरीय चुनाव भी होने वाला है, और मतलब कि सांसद हैं, विधायक हैं, किसी का यहाँ तक नजर नहीं है। इन लोग का जनता का यहाँ का कहना है, कुछ माताएं बहने का कहना है कि यहाँ पर अभी तक किसी का नजर नहीं है, या संसद कोटा से ने भी कोई मतलब कार्य नहीं हुआ, विधायक कोटे से भी कोई कार्य नहीं हुआ, मुखिया फंड से भी कोई कार्य नहीं हुआ। अगर चाहते तो ये मुखिया भी कुछ यहाँ पे करवा सकते थे, बनवा सकते थे तत्काल। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो मुखिया लोग हैं, आगे कंप्लेन करते हैं कि इस तरह से हो रहा है, संसद विधायक को बताते, या सांसद विधायक सिर्फ वोट के समय आते हैं, जनता को कहना है। लेकिन क्या है कि जब वोट जब चुनाव खत्म हो जाती है, चुनाव जीत जाने के बाद यहाँ तक जनता आता तक नहीं है, कि मतलब प्रतिनिधि विधायक संसद आते तक भी नहीं है कि समस्या जनता के यहाँ का क्या है। इस तरह से समस्या चल रही है, यहाँ के लोगों को आने और जाने में बहुत परेशानी है। तो भैया आप हमको ये बताएंगे गार्जियन की क्या नाम पड़ेगा आपका? कामेश्वर सिंह आपका नाम पड़ेगा। इस तरह से जो ये मुख्य पथ जो है, जाने आने का जो रास्ता है, तकलीफें हो रही है, क्या आप मांग क्या करते हैं? नहीं, इसमें तो कोई पुल चाहिए। अच्छा, आप सरकार से जो अधिकारी लोग हैं उनसे क्या मांग करते हैं? हम लोग तो ये मांगेंगे ना कि भाई रोड यहाँ पे पुल बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए, बनना चाहिए ना। तो आप बताइए कि ये सबसे बड़ा चीज है, और यहाँ भी कुछ भावी प्रत्याशी जिला परिषद के कुछ हमारे कट करो क्या नाम था उनका बात करते हैं कुछ नहीं है। क्या परेशानी है चाचा आपका? इस परेशानी सर है ये है कि वहाँ से देखिए कि बाढ़ आयल है, वहाँ कारण और देखिए गोबर जो है ना इन साल वहाँ तक ठेक गया। अच्छा, जब बारिश के मौसम में जब बाढ़ आती है, बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण, तो क्या है कि वहाँ तक पूरा ऊपर तक मतलब नीम के पेड़ तक उधर हाँ, तक भी बारिश चला जाता है। हाँ। और इधर में यहाँ पे देखिए खेती बाड़ी, कैमरामैन जी दिखाएंगे आप, यहाँ पे सिंचाई भी होता है, धान की पैदा होती है, अरहर की पैदा होती है। बारिश ज्यादा होने के कारण जो है कि सब जितने भी कृषि कार्य होते हैं सब क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। यहाँ पे पानी निकलने के लिए कोई अच्छा तरह से कोई भी जो है कि नल कूप नहीं बनाया गया, चाहे उस तरह से कुछ भी व्यवस्था नहीं दिया गया, यहाँ के सिंचाई के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। और यहाँ पे सारे हैं, सब अपनी वोट की मांग करते रहते हैं, व्यवस्था क्या व्यवस्था दी गई है? हाँ, क्या बात करते हैं, बोलिए। व्यवस्था दिया गया है सिंचाई के लिए, उधर साइड कोची तो बना है, अच्छा यहाँ पे सिंचाई के लिए पता चला है कि सीढ़ी भी बना गया है। कौन सा सीढ़ी बना है हमको देखे हैं, उधर कौन सी तो बना है लेकिन उसका कोई यूज नहीं हुआ। अच्छा, इनका कहना हुआ है कि कुछ बना है सिंचाई के लेकर के जो है कि चकडेम वगैरह देख करके सीढ़ी टाइप से बना हुआ है, पुल टाइप से, लेकिन उसका भी कोई उपयोग नहीं है। सही तरीका से शायद बना है या नहीं बना है, कोई जनप्रतिनिधि भी अभी तक इसको अधिकारी लोग भी चेक करने नहीं आए। अनाइन भारत के लिए तरसीब पलामू से सीताराम सोनी की रिपोर्ट। तहरसी प्रखंड के अंतर्गत गोगदा ग्राम में आज दिनांक 20 नवंबर 2021 को देवी मंडप को तोड़कर पुनः चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण का कार्य को लेकर भूमि पूजन किया गया। वहां की ग्रामीणों के द्वारा मिलकर चंदा इकट्ठा करके देवी मंडप को पुनः निर्माण करने का फैसला लिया, जिसमें लाला प्रसाद साथ में उनकी पत्नी के द्वारा विधि से भूमि पूजन का कार्य भी किया गया। मौके पर उपस्थित पश्चिमी तहरसी के जिला परिषद उम्मीदवार अनिल सिंह बढ़चढ़ का हिस्सा लिया एवं नारियल फोड़कर पूजा अर्चना भी किया। अनिल सिंह ने सभी ग्रामीणों से अपील
की है कि इस कार्य में आप सभी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस कार्य को सफल बनाएं। मौके पर रामदास ठाकुर, मुकेश पांडे तथा सभी ग्रामीण जनता उपस्थित रही। आज ग्राम गोगदा में दरिया पंचायत में देवी मंडप का नया निर्माण करने के लिए भूमि पूजन किया गया। उसमें सारे ग्रामीण मिल करके और निर्माण देवी मंडप का निर्माण करने का निर्णय लिया। पहले से भी देवी मंडप हुआ था, लेकिन उसका जो है कि अति सुंदर और उसका चौड़ाई और लंबाई मतलब और आगे बढ़ा करके और पूरे 4-5 लाख जैसा मैंने बने वहाँ के जैसे डीलर है रामदास ठाकुर, उन्हों से बात विचार हो रहा था, कहे कि 4 लाख की एस्टिमेट है उतना अंदर मतलब कि वो जो 4 लाख का जो एस्टिमेट है अनिल सिंह, वो उसमें मतलब कोई फंड से नहीं है सब ग्रामीण जी जी कोई फंड से नहीं है, केवल ग्रामीण का सहयोग से है। और सभी ग्रामीण से मैं निवेदन करूंगा, सभी भाई बंधुओं से, कि वह देवी मंडप जो निर्माण कार्य रखा गया है वो सभी लोग मिल के अपना सहयोग करें और सहयोग से ही उसको आगे बढ़ावें। और भूमि पूजन में शामिल वहाँ पर मुख्य रूप से भूमि का पूजन जो हुआ उसमें लाला प्रसाद जी किए हैं और वहाँ पर उपस्थिति आपके रामदास ठाकुर जी भी थे और वहाँ पर पंचायत समिति सदस्य सभी गणमान्य लोग व्यक्ति उपस्थित हुए और सभी लोग निर्णय लिए कि सभी लोग मिल करके इस देवी मंडप को हम लोग बनावें। और हम कहेंगे कि सभी ग्रामीण और पंचायत के लोग भी सब मिल करके उसमें सहयोग करें और आगे उसको देवी मंडप का निर्माण में पूरा तन मन धन दिल से एकदम सहयोग करके बनावें और हम भी उसमें एकदम पूरा जो भी जितना बन सके मैं सहयोग करने के लिए तैयार रहूं। R9 भारत के लिए सीताराम सोनी की रिपोर्ट, तरसी पलामू।